हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैम अभी प्रैक्टिस कर रही हैं, जस्ट ड्रिलिंग ख़त्म ही हुआ है और थोड़ा थोड़ा बैलेंस कर रही हैं। तो मेनली आज ये वीडियो हम लोग इसलिए बना रहे हैं कि हम लोग, जैसा कि आप सब भी देख सकते हैं कि मैम का जो है अभी बैलेंस नहीं बन रहा है, इधर से उधर जो है गाड़ी जा रहा है, कभी बन रहा है कभी नहीं बन रहा है। आप सब खुद देख सकते हैं कि कभी इधर जा रही हैं कभी उधर जा रही हैं, फिर थोड़ा दूर चल रहा है। तो ये इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का, आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि जो हैंडल है वो इधर से जाके उधर चला जा रहा है। तो आई होप कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आते रहता होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये किस रीज़न के कारण हो रहा है? तो बेसिकली ये प्रॉब्लम का जो रीज़न है वो ये है कि आप जो अपना एक्सेलरेटर दे रहे हो, आप उसको एक सर्टेन स्पीड पे मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आप मतलब डरे हुए हो कि ज़्यादा एक्सेलरेटर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो इसके चलते आप बहुत ज़्यादा स्लोली चलते हो। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये होता है कि लोग जो हैं वो नज़र अपना नीचे रखे रहते हैं और नीचे देखने के दौरान उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे हमको जाना किधर है। तो ये दूसरा रीज़न हुआ। और तीसरा रीज़न ये हुआ कि जब वो चलने के प्रोसेस में होते हैं तो अपना वो बॉडी और हाथ अपने आप वो टाइट हो जाता है, तो वो तीसरा रीज़न होता है ये डिसबैलेंस होने का। तो अब आते हैं कि इसको ठीक कैसे करें। अभी मैम को भी मैं ये सारा सजेस्ट करूँगा, अभी तक मैंने ये सजेस्ट नहीं किया था कि अभी आपको करना क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि कुछ दूर तक अभी सही जा रही हैं, लेकिन फिर भी अभी डेविएशन हो ही रहा है। तो इसका सॉल्यूशन पे हम लोग बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या है कि सबसे पहले आपको एक सर्टेन स्पीड पे गाड़ी को मेंटेन करना है। जैसा कि अभी मैम आएंगी तो उनको भी ये चीज़ बताऊंगा कि एक सर्टेन स्पीड में आपको गाड़ी बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप स्लो चला रहे हो तब आपका गाड़ी बहुत मतलब आप सेफ हो ये हो, नहीं। बहुत ज़्यादा स्लो भी अगर आप चल रहे हो तो आप बैलेंस अच्छे से नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा एक सर्टेन स्पीड में मेंटेन करके ही रखना है, तभी आपका गाड़ी बैलेंस होगा। तो बहुत सारे बिगनर यही गलती करते हैं, वो डर के कारण बहुत धीरे धीरे चलते रहते हैं, जिसके कारण उनको बैलेंस बनाने में दिक्कत होता है और उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं सीख पाऊँगी नहीं सीख पाऊँगी। तो ये सारी चीज़ है। तो आपको भी ये चीज़ ध्यान देना है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो एक सर्टेन स्पीड में आपका गाड़ी हो। तो यही सारा चीज़ है। अभी जब मैं मैम को बताऊंगा तो आप लोग भी देखिएगा कि ऑब्वियसली उनका सही होगा। जहां तक बैलेंस का बात करें वो धीरे धीरे बन रहा है, गलती इसलिए हो रहा है। अभी देखिए ये इन्होंने गड़बड़ किया, ये साइड से ही निकल गई। तो अभी मैं पहले इनको सजेस्ट करता हूँ, बताता हूँ, उसके बाद मैं फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो वेलकम बैक गाइस। जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी कि मैम को अभी मैं थोड़ा सा कुछ सजेस्ट करके और वो जो भी हिंट आपको बता रहा हूँ वो चीज़ बताकर आता हूँ। तो अभी मैंने वो सारा चीज़ बताया है, अराउंड 20-25 मिनट्स मैम के साथ मैंने वो चीज़ को कंटिन्यू किया, ट्रेनिंग को। तो आप लोग भी देख सकते हैं कि उसका रिज़ल्ट क्या हुआ। अब जो है वो डेविएशन बहुत हद तक कम हो चुका है और मैम के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ है। तो यही चीज़ आपको भी तीन चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहले कि आपको जब भी आप डिसबैलेंस वाले मतलब पोर्शन को आप कवर कर रहे हो, ड्रिलिंग के जस्ट बाद आपने शुरू किया हल्का हल्का बैलेंस बनाना, तो आपको भी ये तीन चीज़ फॉलो करना है। सबसे पहले कि आपका जो स्पीड है गाड़ी का वो एक कंटिन्यू होना चाहिए, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते हैं कि बहुत कम में चलेंगे तो बहुत ज़्यादा सेफ रहेंगे, तो ये चीज़ भी फॉलो नहीं करना है। एक सर्टेन स्पीड ज़रूरी है आपको बैलेंस बनाने के लिए। सेकंड चीज़, आपका जो विज़न है वो अराउंड 20 मीटर्स तक आपको दिखना चाहिए आगे रोड। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा नीचे देख रहे हो, अपने एक मीटर तक ही देख रहे हो। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग तो उसको बार बार मतलब बोल बोल कर सही करवा लेते हैं, लेकिन आप लोग को अगर आप खुद से सीख रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो नज़र है वो आप नीचे देख रहे हो या सामने देख रहे हो। और तीसरा चीज़ आपका बॉडी पोस्चर, बॉडी पोस्चर आपका बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। आपका जो अपर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैलेंस बनाने के लिए काफ़ी लोग अपने बॉडी को ही इधर से उधर करते रहते हैं, वो चीज़ नहीं करना है। अपने हाथ को टाइट नहीं रखना है। तो ये सारा चीज़ अगर आप फॉलो करोगे
तो बिल्कुल आप भी चला सकते हो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसा अभी आप 2-3 मिनट पहले देख रहे थे वो चीज़ से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। थोड़ा सा और आगे जाइए, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि जो भी वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो कोई एडिटेड वीडियो है। जो भी हम लोग दिखाना चाह रहे हैं वो आप लोग के लिए ही दिखाना चाह रहे हैं कि ताकि उस प्रॉब्लम से जो भी हमारे ट्रेनीज़ को होता है उससे आपको भी काफ़ी हेल्प मिले। तो यही सारा चीज़ आप भी फॉलो कीजिए, ये वाला प्रॉब्लम चला जाएगा। मैम के साथ तो हम लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा आसानी है, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सजेस्ट कर दिया और साथ में रह के वो चीज़ करा भी लिया। अगर आप अकेले सीख रहे हो तो हो सकता है इस चीज़ में आपको 1-2 दिन टाइम लग जाए, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। 1-2 दिन 3 दिन जो भी लगता है आप बिल्कुल आराम से सीखें, अपना टाइम लें, बिल्कुल ये चीज़ हो जाएगा। और जो भी डिसबैलेंस होता है ऐसा ना समझे कि सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, वो सबों के साथ होता है जो भी सीखते हैं। हमारे पास तो हम लोग रोज़ लगभग अराउंड, मैं पर्सनली 6-7 लोगों को रोज़ डेली ट्रेनिंग देता हूँ, तो ये सबके साथ ये फेज़ में होता है प्रॉब्लम। तो आपको बिल्कुल भी अपना डिमोटिवेट नहीं होना है, बिल्कुल आप लगे रहिए, कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ नया सजेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स। तो तब तक के लिए बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।